और उमीर भाई क्या पोजीशन बनाई है? देखो ये अभी क्या होता है इसमें, 18,000 चल रहा है। कब ली थी पोजीशन? अभी एक दो मिनट पहले। थोड़ी देर पहले। अच्छा, 1800 क्वांटिटी है और 170 पे प्लेस करा है ऑर्डर। लेट्स सी क्या होता है ना, वेट करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट भाई। तो गाइस, जैसे ही अभी लो ब्रोक हुआ था ये वाला स्विंग, वैसे ही हमने ये पोजीशन बनाई थी। अराउंड 170 पे कॉल को शॉर्ट करा था और हमने ऐसे लगा रखा है इसका करीबन 185 का, और वेट कर रहे हैं। यहाँ से ब्रेक करा है इसने स्विंग, तो काफ़ी नीचे आ जाए। हमने 140 का टारगेट भी डाल दिया है, अराउंड 30 पॉइंट का टारगेट डाला है 15 पॉइंट का एसएल के साथ, और वेट कर रहे हैं कि ये एक अगर प्रॉफिट हो तो करीबन 60,000 तक का प्रॉफिट हो जाए, बट हमें वेट करना पड़ेगा। अब ये एक थोड़ा सा ट्रेड हमने पोजीशन लेट ली है स्विंग ब्रेक होने के बाद, तो प्राइस ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाया। और निफ्टी का यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी है करीबन यहीं पे ही, तो मार्केट के हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं हम 140 का टारगेट जा रखा है, अगर 140 पे नहीं हुआ और अगर स्विंग मारने लगी मार्केट पीछे की तरफ, तो हमें ये प्रॉफिट जितना भी है उसे बुक करना पड़ेगा। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि 250 का लेवल है निफ्टी 50 में, और ये लेवल एक एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, क्योंकि आज से दो तीन दिन पहले भी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया था। तो गाइस, टाइम हो रहा है 9:44 और उमीर भाई लौट आई। भाई ये तो मार्केट लौटा ही, क्या करेगा? तुमने क्या करा? लेकिन यार मैंने बुक कर लिया था वहीं पे 40,000 का प्रॉफिट। तुमने बुक कर लिया, कितने में मारी थी? चला गया। ये मैंने वहीं मारी थी, ये मारी थी, ये रहा ऑर्डर में, ये रहा 170 मारी थी, 140 में बुक करी है, लेकिन अभी देखी जाए तो अभी 77 चल रही है। ओ भाई, तूने सही टाइम पे बुक कर लिया भाई। उमीर भाई पूरी पलट गई बात। ये मैंने बुक यहाँ पे मैंने पीछे जाके देखा एक स्विंग था इसी जगह, ठीक है, तो यार ये सोचा कि यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, ये रहा, ठीक है, तो इसी जगह है। हालांकि 140 का टारगेट लगा रखा था, आने ही वाला था, 50,000 बुक होता, लेकिन वो वहीं से रिवर्स होना जब शुरू हुआ ना, तो मैंने निकाल दिया यार। कोई नहीं, सही करा भाई, बुक तो है, कम से कम सारा चले जाता, उल्टा एसएल चले जाता भाई, 5 मिनट में ट्रेड लेकर एसएल चले जाता। देखो 86 पे हम ऐसा लगाते ज्यादा से ज्यादा, हां ज्यादा नहीं लगा। तो भाई 5 मिनट में ट्रेड लेकर बुक करके निकल गए, निकल गए है ना। अभी तो आज तो ये चीज फायदा दे गई, जल्दी निकल के आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है भाई। तो भाई मार्केट तो पूरी की पूरी मुड़ चुकी है उमीर भाई। हां भाई, ओए कितनी वोलेटिलिटी एक्सपायरी वाले दिन, यार दोबारा ट्रेड रेट तो नहीं ली? नीचे कितना हो रहा है यार, दोबारा ट्रेड तो नहीं ली? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ पहले कि कितना हमारा है, ठीक है। दो अकाउंट दिखाता हूँ, इसमें तो 40,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। एक अकाउंट में, एक ट्रेड में लॉस हुआ है, वो हमारे कुलदीप भाई को हुआ है, सीखते हैं। हाँ, वो सीख रहे हैं, वो एक लॉट में सीख रहे हैं, ट्रेड करते हैं, हाँ वो भी ट्रेड करते हैं भाई, एक लॉट में देख रहे हो, ट्रेडिंग करवाते हैं हम। हाँ, और अपने मर्जी से, हम अपने आप नहीं, रोज एक स्क्रिप्ट लगी थी, इसमें छोटा सा लॉस होता है, हाँ छोटा सा प्रॉफिट होता है, पर भाई जिस दिन भी प्रॉफिट होगा ना, तो 5 गुना बुक करना भाई, समझ रहे हो, 1-1 रुपए का, हाँ 1-4, 4 दिन का लॉस 1 दिन में रिकवर। भाई को भी थोड़ी ज्यादा लॉस हो रहा है, हाँ धीरे धीरे सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, बात ये भी है इम्पोर्टेंट। तो भाई इसमें तो 40,000 बुक हो गया, दूसरे वाले में उमीर क्या हुआ है? दूसरे वाले में आज हो गया लॉस, क्योंकि उसमें पोजीशन बनाई थी मॉर्निंग में ऊपर के लिए, उसमें हो गया 6,000 का लॉस। तो उमीर भाई इसकी ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, तो इसमें अब मेरे हिसाब से किल स्विच का बटन हमें दबा देना चाहिए ना, किल स्विच का बटन दबा रहा हूं, क्योंकि अगर गलती से ओवर ट्रेड ना हो जाए, ठीक है, इसको अपना कभी भी एक ट्रेड अगर लॉस में चले जाए ना, तो किल स्विच दबा दो, ये धन में फीचर है, तो मैं इसका किल स्विच दबाऊंगा। और यहाँ पे ये रहा हमारा, यही है ट्रेड, लाइक ए सुपर ट्रेड, ठीक है, ये रहा, ये किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग, ये हमारा किल स्विच, अच्छा ये मैंने अभी भी दबा दिया है, तो इसलिए किल स्विच लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है, और इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, इसमें आ रहा है, यू हैव एक्सीडेड योर अटेम्प्ट टू डीएक्टिवेट किल स्विच फॉर द डे, इट विल बी ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट पोस्ट 12 midnight फॉर प्लेसिंग फ्रेश ऑर्डर, मतलब आज 12 बजे के बाद ही अब हम ट्रेड कर सकते हैं, वरना अब हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। ऑर्डर लगा के दिखा, मैं दिखा देता हूं, अगर मैं ऑर्डर मारूंगा तो ऑर्डर लगेगा ही नहीं, ठीक है, मान लीजिए एक लॉट में कॉल का शॉर्ट करता हूं यहीं पे मार्केट ऑर्डर, तो ये देखते हैं क्या दिखाता है, कह रहा है वेट किल स्विच इज एक्टिवेटेड यू कैन ट्रेड, अब हम ट्रेड नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेड मिल जाए, चाहे मार्केट कितना ही बुला ले, हां बस मार्केट को उम्मीद वो कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, है ना, हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हां
वॉच करने भी बड़ी चीज होती है अमीर भाई, जरूरी थोड़ा ना ट्रेड लो हर बार, हर ट्रेड में घुसो। सबरन ट्रेड नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि क्या होता है कभी मार्केट बुला लेती है कि हाँ भाई अभी यहाँ ट्रेड बन रहे हैं, और वहाँ पे लॉस हो जाता है। कल इसमें 43,000 का प्रॉफिट था। चलो भाई उमीर भाई, है ना, तो गाइज आप भी धनमय अकाउंट ओपन करवा सकते हो। धनमय मल्टी चार्ट का भी फीचर है और फ्री अकाउंट ओपनिंग है, कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और अगर आप घर में किसी का भी लेडीज का अकाउंट खुलाओगे तो 10 रुपये पर ऑर्डर है, और बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट है और फास्ट फीचर है, यहीं से ही ऑर्डर लग जाते हैं, ऑप्शन चेन सब कुछ यहीं से ही खुल जाता है। अगर आप यहीं से ट्रेड करना चाहते हो इसी चार्ट से, तो इसी चार्ट से भी ट्रेड कर सकते हो इजीली तरीके से, और बिल्कुल भी हैंग नहीं होता, हम भी इसमें ही ट्रेड करते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं अब कहीं पे अगर बड़े वाले अकाउंट में ट्रेड लेंगे जिसमें 40,000 का है तो बताएंगे आगे, वरना देखते हैं क्या होता है एंड तक प्रॉफिट का। गाइस टाइम हो रहा है 11:20, ठीक है, और अभी के अभी एक ट्रेड ली है उमीर ने। उमीर भाई क्या ट्रेड लिया? बिल्कुल अभी मारे 10 लॉट ही मारे हैं, ज्यादा नहीं मारे, 10 लॉट ही मारे हैं, क्योंकि यार मंथली एक्सपायरी 89 इतनी ज्यादा है। हाँ, तो वेट करके देखेंगे उमीर भाई कहाँ निकालते हैं, एसएल ट्रेड करके क्या करते हैं, वो आगे पता चलेगा धीरे धीरे। बिल्कुल अभी के अभी लिए गाइस, ये कैंडल तो ऐसे ही बना रखा है, भी यहाँ पे ट्रेड नहीं ली थी, ये बिल्कुल अभी प्लेस करिए ट्रेड, ठीक है, ये तो हम ऐसे ही लगा के देख रहे थे। लेट्स सी गाइस क्या होता है, ठीक है, अब पता चलेगा थोड़ी देर में, है ना उमीर भाई। यस, एसएल कहाँ लगाएगा वैसे? एसएल उस कैंडल के हाई पर आएगा। कहाँ पर? इसलिए लॉट कम रखे हुए हैं, वो दिखल बने यो नीचे कर दे उसे, यहीं पे इसी कैंडल के हाई पे। अच्छा ठीक है गाइस, देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है 2:27 करीबन, ठीक है, और मार्केट बंद नहीं हुई है, बट हाँ हमने ट्रेडिंग जल्दी बंद कर दी है, क्योंकि एक दो ट्रेड लेनी होती है और एक दो ट्रेड ले चुके हैं उमीर भाई, है ना। मार्केट में आज वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा थी, ऊपर नीचे बहुत हो रहा था, उस तरीके से तो बंद कर लें। मंथली एक्सपायरी लेना था या मंथली वाली एक्सपायरी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी तो होगी, तो देख लेते कितना कितना प्रॉफिट हुआ। तो छोटे वाले अकाउंट से स्टार्ट करते, तो इसमें करीबन हो गया है 6,500 का लॉस। आपके सामने क्लिक स्विच बटन दबाया था उसी टाइम से एक भी ऑर्डर, हां उसी तब से कोई ऑर्डर मारना चाहे तो भी नहीं मार सकते इसमें। गाइस इस अकाउंट में इतना प्रॉफिट है, ठीक है, 42,000, और आज एक अकाउंट में प्रॉफिट और एक में लॉस है, अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल डे है। और पूरा वीक भी अच्छा ही गया उमीर भाई, जैसे कि देखा जाए प्रॉफिट में ही रहे हैं, है ना, पूरा वीक ठीक है, अभी एक दिन और इस वीक में। हाँ, और डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करिए, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ऑर्डर भी कम आ रहे हैं, तो ये आज के दिन यहीं पर ख़त्म करते हैं उमीर भाई, है ना। बिल्कुल, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, ठीक है गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट की लिंक है, अगर आपको अकाउंट ओपन करना हो उसमें ओपन भी कर सकते हो, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।